हेलो फ्रेंड्स, आई एम भूपेंद्र पटेल एंड यू आर वॉचिंग माई यूट्यूब चैनल LCS इन हिंदी। जो मैंने बहुत सारे वीडियो अपलोड किए हैं रिलेटेड टू GTU एग्ज़ाम, जो समर 2020 एग्ज़ाम है वो होगी कि नहीं होगी, और उसके बारे में जो डिस्कशन किया था वाइस चांसलर ने वो भी मैंने आपको बताया था। लेकिन जो कल अपडेट न्यूज़ आई है, जो हायर जो भी ऑफिशियल अथॉरिटी है उन्होंने पब्लिश किया था और दिव्य भास्कर न्यूज़ में भी आ गया है कि आपकी एग्ज़ाम जो है, जो इंजीनियरिंग के बच्चे हैं या टेक्निकल में है, आर्किटेक्चर है, डिप्लोमा है या फार्मेसी है, उनकी एग्ज़ाम 15 मई के बाद होने वाली है, राइट। तो ये फाइनल डिसीजन है, बट ये जो एग्ज़ाम ली जाएगी वो बेस ऑन दी UGC नॉर्म्स, मीन्स UGC जैसे डिफाइन करेगा कि आपकी एग्ज़ाम MCQ लेनी है, ऑनलाइन लेनी है, ऑफलाइन लेनी है, वो जो सारा डिपेंड करता है UGC पे। जो भी UGC गाइडलाइन देगी कोई भी यूनिवर्सिटी को, उसी तरह उसकी एग्ज़ाम ली जाएगी। और वन मोर थिंग इज़ दैट कि हमारा लॉकडाउन 3 मई को ख़त्म होने वाला है, राइट। तो 3 मई के बाद आपके जो एग्ज़ाम फॉर्म बाकी रह गए जिन बच्चों के, मीन्स कुछ बच्चों ने बिफोर द लॉकडाउन उन्होंने फिल कर दिया था एग्ज़ाम फॉर्म अपना, बट जो इस बच्चों ने अभी तक अपना फॉर्म फिलअप नहीं किया था टिल 21 मार्च, राइट, तो उनका जो फॉर्म है उनको ऑनलाइन फिलअप करना पड़ेगा। सो आप 3 मई के बाद मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए अभी, तो आपको जब भी जो भी ऑफिशियल न्यूज़ होगी 3 मई के बाद, क्या आपको कैसे ऑनलाइन फॉर्म फिलअप करना है, वो मैं अपने वीडियो के थ्रू आपके साथ शेयर करूँगा, राइट। जैसे ही मुझे इन्फॉर्मेशन मिलती है कि आपको ऑनलाइन फिलअप करना है एग्ज़ाम फॉर्म तो कैसे करना है, सो आई विल गिव यू इन्फॉर्मेशन थ्रू दिस चैनल। सो इसीलिए मैं हर बार आपको रिक्वेस्ट करता हूँ कि अपडेटेड न्यूज़ के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और इस वीडियो को लाइक भी कर दीजिए। और मैं कुछ बात बताना चाहता हूँ कि जो मैंने लास्ट वीडियो अपलोड किया था उनमें बहुत सारे बच्चों ने मुझे कमेंट्स करके कुछ क्वेश्चन किए थे, तो उस कमेंट का मैं 1 by 1 आपको आंसर देता हूँ। तो एक जो स्टूडेंट थी उन्होंने पूछा था मुझे कि 8 सेम के वाइवा होंगे, राइट। सो एज आई अर्लियर टोल्ड यू कि फाइनल ईयर की जो एग्ज़ाम है उसकी हाईएस्ट प्रायोरिटी रहने वाली है, राइट। मीन्स जैसे 15 मई के बाद जो भी एग्ज़ाम शेड्यूल आएगा तो हायर प्रायोरिटी में हायर सेमिस्टर ही रहेगा, मीन्स जो फाइनल ईयर है उन बच्चों के लिए एग्ज़ाम पहले होगा। क्योंकि मैंने आपको रीज़न भी बताया था कि उन बच्चों को हायर स्टडी के लिए अब्रॉड जाना होता है, या कुछ बच्चे जॉब प्लेसमेंट में हो गए तो उनको ज्वाइन करना भी होगा, तो इस रीज़न से वो लोग आपकी एग्ज़ाम पहले लेंगे, तो आपके वाइवा भी होगे एज वेल एज दी थियोरी एग्ज़ाम भी होगी। बट थियोरी एग्ज़ाम MCQ होगी या डिस्क्रिप्टिव होगी वो आपको 3 मई के बाद ही पता चलेगा, राइट। जैसे ही मुझे कुछ न्यूज़ मिलती है इसके बारे में आई डेफिनेटली शेयर विथ यू एज अर्ली एज पॉसिबल। एंड सेकंड क्वेश्चन जो डिप्लोमा स्टूडेंट का था कि सर हमारा एग्ज़ाम MCQ होगा या डिस्क्रिप्टिव होगा, तो ये बात भी मैं शेयर करना चाहूँगा कि अभी तक UGC ने एक कमिटी बनाई है लेकिन उन्होंने कोई गाइडलाइंस नहीं दी है किसी भी यूनिवर्सिटी को कि आपको कैसे एग्ज़ाम लेनी है, MCQ ऑनलाइन एग्ज़ाम लेना है एज और डिस्क्रिप्टिव एग्ज़ाम लेना है या सिर्फ प्रैक्टिकल लेना है, इसकी अभी कोई क्लियरिटी नहीं हुई है UGC के थ्रू। तो आप, मेरी रिक्वेस्ट है कि आप घर पे रहिए, सेफ रहिए और अपने पढ़ाई पे कॉन्सेंट्रेट कीजिए, तो आपको ज़रूर बेनिफिट होगा आपकी एग्ज़ाम में। क्योंकि सपोज आप MCQ एग्ज़ाम देने जा रहे हो तो आपका पहली बार होगा कि आप टेक्निकल फील्ड में MCQ देने जा रहे हो, बट एज पर माई नॉलेज MCQ इज़ अ वेरी टफ एग्ज़ाम कम्पेयर टू द डिस्क्रिप्टिव एग्ज़ाम, राइट। बिकॉज आपको एक एक सेंटेंस का पता होना चाहिए, डेप्थ नॉलेज होना चाहिए, तभी आप अच्छे मार्क्स ले सकते हो MCQ में, राइट। और एक बात, कुछ बच्चों ने ऐसा भी बोला था कि सर पॉसिबल नहीं है मास प्रमोशन, तो मैं बताना चाहूँगा उस बच्चों को कि ये सब कुछ मेरे हाथ में नहीं है, जो भी हाथ में है UGC और AICT एज वेल एज योर कंसर्न यूनिवर्सिटी, वो जैसे ही डिफाइन करेंगे वैसे ही आपको उसके साथ कोऑपरेट करना है, मीन्स वो बोलेंगे आपको थियोरिटिकल एग्ज़ाम देना है सो आपको देना ही पड़ेगा, राइट। सो आज मैंने बताया आपको 3 इम्पॉर्टेंट चीज़ है, वो पहले आपकी एग्ज़ाम है 15 मई के बाद होनी है वो तय है,
आपके जो एग्जाम फॉर्म बाकी रह गए हैं वो 3 मई के बाद ऑनलाइन फिलअप हो गए, और तीसरी बात कि आपकी एग्जाम डिस्क्रिप्टिव होगी या MCQ होगी, इसके रिलेटेड अभी कोई न्यूज आया नहीं है। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग यूट्यूब माई चैनल। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक बटन पर क्लिक कर दीजिएगा। थैंक यू।